वेलकम दोस्तों, कमाल की वेबसाइट आज देखने वाले हैं, जिसका वेबसाइट का जो नाम है वो है ट्री ऑफ नॉलेज। अब दोस्तों ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। जैसे आपको ट्री दिखाई दे रहा है एक तरीके से, जैसे यहाँ पर नॉलेज लिखा है साइड में, और यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है साइंस। ठीक है, साइंस लिखा है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। सपोज़ केमिस्ट्री पर चले जाते हैं, केमिस्ट्री पे क्लिक जाते हैं, देखिए केमिस्ट्री में फिर अलग अलग केमिस्ट्री खुल जाती हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री जो भी है। जैसे फिज़िकल केमिस्ट्री पे अगर जाते हैं तो फिज़िकल केमिस्ट्री का अब साइड में जो है दोस्तों यहाँ पर जो क्या चल रहा है, फिज़िकल केमिस्ट्री का चल रहा है पूरा। एप्लीकेशंस क्या है, कंक्लूजन्स क्या है, सारी चीज़ें चल रही हैं। अब दूसरी कुछ पढ़ना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर देख रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी पर जाते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी खुलेगा यहाँ पर। ये देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी अलग अलग चीज़ें रहती हैं। अब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें चले जाते हैं, देखिए ठीक है ये ओपन हो गया, तो ये पूरा जो है जाल बन गया। अब देखिए दोस्तों पूरा जाल बन गया, ठीक है, किस तरह से जो है जाल बन गया। अब मैं आपको कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, ये तो ही हो गया। किसी भी टॉपिक को किसी भी डिटेल में जानना चाहते हो तो इस तरीके से यहाँ पर इस वेबसाइट से हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा नॉलेज हो गया, इंग्लिश में ओके करना था। अब सपोज डेट यहाँ पर अगर हमें कोई चीज़ जानना है, अगर हमें एआई के बारे में भी जानना है, ठीक है, एआई या मैं लिख देता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानता है, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी जो भी आप रखना चाहते हो कोई सी भी रख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब उसके बाद कर देना है यहाँ पर इस पर क्लिक, यहाँ कर देते हैं हम क्लिक। अब ये देखिए दोस्तों क्लिक किया, अब ये देखिए एक ट्री बन गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिया उन्होंने, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो, देखा मशीन लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर वर्जन्स, रोबोटिक, ट्री रीइंफोर्समेंट, डीप लर्निंग इंटेलिजेंस, मतलब इतने सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है दोस्तों, या तो आप वन बाय वन इन पर क्लिक करके जो है यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, सीख सकते हैं। अब जैसे सपोज डेट कोई चीज़ के बारे में जानना है, हमें मशीन लर्निंग के बारे में जानना है, ठीक है, यहाँ पर हम जो है मशीन लर्निंग पे क्लिक कर दिया। अब मशीन लर्निंग का यहाँ पर ये चीज़ आ गई कि मशीन लर्निंग में क्या है, यहाँ पर देख लिया हमने टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, बेनिफिट ऑफ मशीन लर्निंग क्या है, कंक्लूजन वगैरह की। अब मशीन लर्निंग में भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, डीप लर्निंग, जो भी लर्निंग सीखना चाहते हो उसमें हम कर देते हैं। जैसे सुपरवाइज लर्निंग ले लेते हैं, तो सुपरवाइज लर्निंग यहाँ पर आ गया। अब सुपरवाइज लर्निंग में भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ये देखिए लाइनर रिग्रेशंस, लॉजिस्टिक, डिसीजन ट्रीज, ठीक है, रैंडम, ये जितने भी देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरा बन गया। डिसीजन ट्रीज ये मैं खाली ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि इसमें, ठीक है, इसमें बन गया। अब फिर उसका और ऊपर और उसमें हम डिटेल में गए, ठीक है, फिर उसमें और डिटेल में गए, ठीक है, ओवर लिफ्टिंग, फिर उसमें और डिटेल में गए, इसमें, ठीक है, इसमें और डिटेल में गए, ये जितने भी आ रहे हैं सबको आप ओपन कर सकते हो, इसमें और डिटेल में गए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से जो है ये चीज़ें बना दी गई, फिर इसमें यहाँ पर देख रहे हैं और डिटेल में गए, मतलब हमने पूरी की पूरी सारी डिटेल निकाली। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रहा मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कोई सा भी, अब जैसे हमारा इसमें क्लिक किया तो इसमें और चीज़ आ गई। ये देखिए दोस्तों पूरा जाल बन गया, देखिए यहाँ पर ये देखिए जाल बन गया, नहीं बन गया है नहीं, ये कमाल का दोस्तों। आपको इससे अच्छा टूल्स तो देखने को मिलने का है नहीं, क्योंकि मैं नए से नया एआई टूल बताता हूँ, और इसका यूज़ आप अपने काफ़ी चीज़ों में कर सकते, कोई भी इसका यूज़ कर सकता है, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। वो अपने प्रोजेक्ट में, अपने असाइनमेंट में किस तरह से जो है एक बढ़िया चीज़ बना सकते हैं, मतलब उनके पास एक तो रहती बुक में भी, डीप नॉलेज में भी जाना, तो ये इससे अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। काफ़ी और भी है टूल्स, लेकिन इससे अच्छा देखने को नहीं मिलेगा ये, क्योंकि नया आया है। अब देखिए दोस्तों मैं और नई चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर चलते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से, और हम जानना चाहते हैं जैसे इंटरनेट ले लेते हैं, ठीक है, इंटरनेट लेते हैं, नहीं इंटरनेट नहीं लेते, किसी बेसिक चीज़ के बारे में हम जानते हैं, वेदर के बारे में जानते हैं, ये
वेदर के बारे में नहीं जानते, हम जानते हैं सीज़न के बारे में। ठीक है सीज़न। अब हम इसको इंग्लिश में ना रखते हुए इसको कर देते हैं दोस्तों हिंदी। ठीक है, अब क्या होता है हम देखते हैं, यहाँ पर इसको कर देते हैं हिंदी, उसके बाद कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद ये देखिए दोस्तों, ये आप खुद देखिए, यहाँ पर ये देखिए मानसून, शीत ऋतु, शरद ऋतु, मतलब इतने सारे जो। अब जैसे वसंत ऋतु में किया तो वसंत ऋतु में चलेगा, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के हो गए। वसंत के त्यौहार, तो इसमें वसंत के त्यौहार आ गए, ये देखिए। अब यही चीज़ अगर मैं इसको कर देता हूँ इंग्लिश या किसी भी और लैंग्वेज में, अगर हम करना चाहते वो भी लैंग्वेज हो जाएगी, इंग्लिश में ही बेटर रहेगा, तो हम कर देते हैं इंग्लिश में। इसके बाद यहाँ पर आ गए, अब ये देखिए। ठीक है, अब जैसे विंटर सीज़न ले लेते हैं, तो विंटर सीज़न में दोस्तों कितनी चीज़ें रहेंगी वो हम देखना चाहते हैं। विंटर वेदर ले लेते हैं, और विंटर वेदर में भी क्या है, पैटर्न, प्रिसिपिटेशन, टेम्परेचर ट्रेंड्स करते हैं, क्या है इसमें, क्या रहेगा। अब ये देखिए इसमें भी अलग है, ट्रेंड्स विंटर है इसमें, इसमें भी अलग है। ठीक है, अब ये भी अलग है, ठीक है ये भी अलग आ रहा है अर्बन, ये देखिए अब इसमें भी अलग ऊपर, मतलब पूरी की पूरी लेयर खुल गई। अब ये मतलब एक तरीके से समझ लीजिए दोस्तों, एक ट्री है, ट्री में जो पत्ते होते हैं वो उस टाइप की नॉलेज है दोस्तों। मतलब ये एक पूरा का पूरा जाल, उसमें आप डीप नॉलेज लेना चाहते हो तो सबसे बढ़िया है दोस्तों, किसी भी चीज़ के बारे में जानोगे तो ये फटाफट बता देगा दोस्तों। ठीक है, अब हम दूसरे तरफ चलते हैं भाई, साइबर क्राइम। ठीक है, साइबर क्राइम के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, देखिए भाई साइबर क्राइम है क्या। अब ये देखिए दोस्तों, साइबर क्राइम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पर खुद देखिए। हैकिंग आता है, फिशिंग, रैंसमवेयर, आइडेंटिटी थीफ, साइबर बिल्डिंग, साइबर, ठीक है, ऑनलाइन फ्रॉड। तो ऑनलाइन फ्रॉड में बहुत लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है, तो कौन कौन से ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं वो चीज़ों की बात करेंगे अब। तो ऑनलाइन फ्रॉड में दोस्तों ये देखिए, फिज़िकल स्कैम होता है, आइडेंटिटी थीफ हो जाए फिजिकल, इसमें ऑनलाइन शॉपिंग, क्रिप्टो थीफ, क्रिप्टो करेंसी थीफ, ये देखिए दोस्तों इतनी सारी चीज़ें होती हैं। ज़्यादातर हमें सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक शायद मिलता है, ठीक है, फिशिंग टेक्निक क्या होती है, विजिंग क्या होता है, सारा पूरा बताएगा दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम खुद ही जान सकते हैं, और भी चीज़ें अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो भी आपके मन में है, डाउट है। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करें, आई होप इससे अच्छा आपको टूल देखने को मिलेगा। चैनल पर अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें, थैंक यू।